फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल नॉलेज 100% टू में। दोस्तों, ये रहा सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में कैसे यूट्यूब को प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बहुत ही लेंथी प्रोसेस बताया गया होगा, बट मैं यहाँ पर आपको एकदम सिंपल और अच्छा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें यूट्यूब कैसे प्ले होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यूट्यूब प्ले हो रहा है। आप देख सकते हैं यूट्यूब का सिंबल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि मेरा यूट्यूब कैसे प्ले हो रहा है। अगर आप भी अपने वॉच में यूट्यूब प्ले करना चाहते हैं तो सो सिंपल स्टेप बताऊँगा, उसको फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको चले जाना प्ले स्टोर पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको करना है सैमसंग इंटरनेट सर्च। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, सैमसंग इंटरनेट यहाँ पे मेरा इंस्टॉल है। तो ये वाला एप्लीकेशन फ्रेंड्स, आप मोबाइल में और वॉच में दोनों एक साथ इंस्टॉल कर लें और उसके बाद यहाँ पे ओपन करें। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ। जब फ्रेंड्स आप इंस्टॉल कर लेंगे सैमसंग इंटरनेट को, तो यहाँ पर ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपका यूट्यूब आ चुका है, गूगल, वेदर और सैमसंग और सेटिंग। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे चले जाना है यूट्यूब पे, और ध्यान में रहे दोस्तों, आपका वॉच फ़ोन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा यूट्यूब ओपन हो चुका है। अब आप कोई सा भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा सॉन्ग प्ले हो रहा। मैं ज़्यादा देर प्ले नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे कॉपीराइट लग सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सैमसंग का ही ब्रांड है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका ब्रांडिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ ब्लूटूथ कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।